एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए नए सॉफ्टवेयर के बारे में बैठक कर नए सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दी, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट के दौरान सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है। इसमें थाना पुलिस और PWD डिपार्टमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट के बारे में विस्तार से सूचनाएं भरते हैं। एक्सीडेंट का समय क्या था, कब हुआ, किस वजह से हुआ, मौसम कैसा है, गाड़ी की फिटनेस में क्या कमी थी जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, किस कारण से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, इस डेटाबेस को भरने के बाद इसके एनालिसिस के आधार पर लोडिंग और स्किल्स डिज़ाइन में कोई कमी है तो सरकार उसे रिकमेंडेशन भेजती है। उन्होंने कहा कि इन डेटाबेस के आधार पर सड़क निर्माण एजेंसी और वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारे कर्मचारी इस संबंध में थाना पुलिस के सभी सब इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दी गई ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि दुर्घटनाओं को सही सही आकलन करना, सही सही आकलन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के लिए कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंसर्न रोड अथॉरिटीज के लिए डायरेक्शन देना कि रोड इंजीनियर में क्या फॉल्ट है उसकी कमी को दूर करें ताकि जिन लोगों की जाने जा रही है उनमें कमी लाई जा सके। अभी आप जो डेटा भरना बता रहे हैं, नॉर्मली ये लोग सभी थाने में डेटा भरते हैं, डेटा भरने में इनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आधे तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं इतना कंप्यूटर सब लोग सारे सब इंस्पेक्टर्स जानते हैं फिटिंग करने के संबंध में, परंतु इसमें जो बेसिक्स है भरने के लिए गोरखपुर के दृष्टिकोण से वो आपके देश में नहीं है। क्या NH नंबर है या SH नंबर है तो कितना है, तो सबसे पहले आप इसका एक डेटाबेस बनाइए, PWD से लेके डेटाबेस बनाओ कि NH वाले कौन से रोड है, कार्य क्या होगा, MD आप सड़क की श्रेणी होती है जैसे एक्सप्रेस वे हाईवे से जो रोड निकलेंगे दूसरे SH को कनेक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के किसी कस्बे को कनेक्ट कर रहे हैं उनको MDR बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये उस समय क्या अवेलेबिलिटी थी उसके लिए आप गूगल पे भी देख सकते हो, आजकल गूगल सब चीजें बता देता है कि आज की अवेलेबिलिटी कितनी है, किस एरिया में कितनी है, ऐप से ले सकते हो उन जानकारियों के बारे में कि आज क्लाउडी वेदर है कि सनी वेदर है कि रेनी वेदर है। अगर आप उसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि रेनी वेदर है, बारिश हो रही है, बारिश के दौरान दुर्घटना हुई तब वो भी एक कारण, सूचनाओं को सही से सही होना है, इसी पर्पज से ये ट्रेनिंग जो है आपको दी जा रही है। और जो ऐप में कमियां है उसमें लिखी है कि डेटा में फला की प्रदर्शित नहीं हो रही है, उससे हम लोगों के पास सूचना आएगी, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि ऐप में अगर ये सुविधा नहीं है तो आएगा उसका, तो इन सब कमियों के बारे में आपको जरूर दीजिए। और जब आप फीडिंग कर रहे हैं तो फीडिंग के दौरान भी आपको कुछ समस्याएं आती होंगी, तो इन सब चीजों के लिए आप लोग पॉइंट आउट करिए, भरने के दौरान आपकी जो समस्याएं आएगी उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक्सीडेंट के दौरान जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं फिर मुकदमा लिखा जाता है, एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर है IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इसमें थाना पुलिस और PWD डिपार्टमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तीनों डिपार्टमेंट मिलके इसमें एक्सीडेंट के बारे में विस्तृत सूचनाएं भरते हैं, जैसे एक्सीडेंट का क्या समय था, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, मौसम कैसा था उस समय, गाड़ी के फिटनेस में क्या कमी थी, उनकी एज कितनी थी जिनकी डेथ हुई या दुर्घटना हुई या किस पार्टिकुलर स्थान पे दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इस डेटाबेस को भरने के बाद इसके एनालिसिस के आधार पर अगर रोड इंजीनियरिंग में या व्हीकल्स के डिज़ाइन में कोई कमी है तो सरकार उसमें रिकमेंडेशन भेजती है इन डेटाबेस के आधार पर सड़क निर्माण एजेंसीज के लिए और वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए। तो ये डेटा जो हम इनपुट भर रहे हैं ये सही होना चाहिए, डेटा सही भरें हमारे कर्मचारी
इस संबंध में थाना पुलिस के सभी नए सब इंस्पेक्टर्स जो हमारे आए हैं, नए सब इंस्पेक्टर्स के लिए और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए संयुक्त रूप से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सही डेटा हो, फिर उसका सही एनालिसिस होकर सही रिकमेंडेशन आए, जिससे कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आ सके, इसी उद्देश्य से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। थैंक यू।